Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are going to discuss the Maria Sharapova doping controversy in detail. So today's topic is what is Maldonium and why did Maria Sharapova take it? Let's get started. So first of all, let's you what is going on in the news currently. So during Australian Open, it was declared by Russian tennis star Maria Sharapova that she was tested positive for Maldonium, right? And what is Maldonium? Meldonium is a drug which is banned uh, for the athletes. So if you are an athlete and if you take this drug, then you will be charged with doping.

तो अगर इन केस आपको नहीं पता तो ये बता देते हैं एक्चुअली इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस देर आर फोर प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर वॉट आर दोज ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन देन योर फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन थर्ड वन इज विंबलडन, एंड देन द लास्ट वन इज द यू एस ओपन एक्चुअली वो उस ईयर में इसी सीक्वेंस में होते भी हैं दिस इज अराउंड जनवरी दिस इज अराउंड मे और जून दिस इज अराउंड जुलाई एंड दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ऑगस्ट ठीक है तो इस तरह से होते हैं एंड इन अ कैलेंडर ईयर इन वन कैलेंडर ईयर इफ यू विन ऑल द फोर टूर्नामेंट्स देन यू हैव वन अ ग्रैंड स्लैम सो दिस इज वॉट अ ग्रैंड स्लैम इज तो आप अगर एक साल के चारों टूर्नामेंट आप ही जीत गए तभी आपको ये ग्रैंड स्लैम मिलेगा एंड शी हैज डन दिस फाइव टाइम्स राइट सो दैट इज़ वाई शी इज़ अ टेन्स लेजेंड राइट तो ये टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए ओके अच्छा एक और चीज़ होती है एक गोल्डन स्लैम भी होता है देर इज़ अ गोल्डन स्लैम ऑल्सो वॉट इज अ गोल्डन स्लैम इन एडिशन टू अ ग्रैंड स्लैम इफ यू मैनेज टू विन अ गोल्ड मेडल एट समर ओलंपिक्स इन द सेम कैलेंडर ईयर देन यू हैव वन अ गोल्डन स्लैम विच इज़ हाईली डिफिकल्ट और ये आज तक सिर्फ एक ही टेनिस स्टार ने किया है एंड शी इज स्टेफी ग्राफ शी इज़ द ओनली वन हु हैज़ अ गोल्डन स्लैम स्टेफी ग्राफ शी इज़ अ जर्मन टेनिस प्लेयर ओके ठीक है लेट्स मूव अहेड And she has been the highest paid female athlete for around eleven years. Currently she is suspended by International Tennis Federation, though the ban is only provisional as of now. Hai, what is Maldonium? So Sari Kisari. जो सारा जो सारा फसाद है वो इसी के आसपास में घूम रहा है ऑल द कॉन्ट्रोवर्सी इज़ रिवॉल्विंग अराउंड मेल्डोनियम तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर आएगा कुछ टेक्निकल क्वेश्चन ही आएगा आपको कॉन्ट्रोवर्सी पे किसी व्यक्ति के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता है यू दे वॉन्ट बी गोइंग इन टू डिटेल अबाउट अ पर्सन बट दे टॉक अबाउट यू नो दिस टेक्निकल कॉन्सेप्ट तो मेल्डोनियम इज बेसिकली अ ड्रग विच एनहानसिस योर विच इज़ सपोज टू बी एनहांसिंग योर फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी दैट इज़ वाई इट इज़ बैंड ओके

उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल के उसमें से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल ठीक है क्योंकि एनर्जी जो है वो यहाँ पे जनरेट होती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे जनरेट होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इन द बॉडी गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में होता क्या आपको जो ग्लूकोज होता है सी सिक्स एच टूवेल्व ओ सिक्स ये रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे सिक्स ओ टू अब टेंथ क्लास की साइंस आपको याद आ जानी चाहिए तुरंत ठीक है प्लस सिक्स ओ टू गिवस सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस थर्टी एट एटी पी मॉडिकल्स ये एक्चुअली थर्टी सिक्स और दो अलग से होते हैं वी नी नॉट इन टू दोज डिटेल्स तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ वाई वी ब्रीद ऑक्सीजन एंड वी एक्जेल सी ओ टू ठीक है तो ये ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है इसको रिड्यूस कर देता है तो इससे होगा कि आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा आपका एंड्योरेंस बढ़ जाएगा एंड इफ यू आर एन एथलीट एंड योर अदर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट टेकिंग दिस ड्रग एंड यू आर टेकिंग दिस दैन डेफिनेटली यू विल हैव एन अनफेयर एडवांटेज कंपेयर टू दम एंड विच इज़ वेरी अनथिकल इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड दट इज वाई दिस ड्रग इज़ बैंड ठीक है तो ये टेक्निकल आस्पेक्ट है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिए Then it is also known for some uh, positive effects on the central nervous system. That is why this drug is also prescribed from for some patients who are suffering from uh, Parkinson's and Alzheimer's. Okay. देन अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो रेगुलेटरी बॉडीज वाला जो पार्ट होता है कोई भी कॉन्ट्रवर्सी जब उठती है ना तो उसके आसपास की जो पैरिफिरल टॉपिक्स होते हैं ना जो क्वेश्चन वहीं से आता है आपको उस कॉन्ट्रवर्सी के बारे में कोई नहीं पूछेगा कि मारिया शराब को वहाँ कितने का फाइन लगाया था उनको कितने साल के लिए बैन किया गया था ये सारी चीज़ें कोई नहीं पूछेगा बट दे विल आस्क यू अबाउट द अदर कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रवर्सी तो हु इंपोजेस दिस बैंस किसके पास ये अथॉरिटी है वाडा वाडा इज़ द एजेंसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ठीक है दिस इज देयर लोगो एंड देर मोटो इज प्लेट्रू ठीक है इट वॉज एस्टैब्लिश इन नाइनटीन नाइनटी नाइन इन लॉजेन इन स्विटरलैंड ओके इट इज़ करेंटली हेडक्वार्ट इन मॉन्ट्रियाल कैनडा एंड इट इज ऑथर्ड वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड जो है वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके अंडर सारे खिलाड़ियों को खेलना पड़ता है एंड ऑल द अदर रीजनल एंड नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर दिस वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड तो आपका जो वाडा है दैट इज अपरवाइजरी इंटरनेशनल बॉडी तो वाडा इज हियर

उसी तरह से इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो वाडा की इक्वलेंट है जो ये सारी चीज़ों को देखती है विच टेक्स केयर ऑफ दिस आस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्ट ये आपको पता होना चाहिए इट इज नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी सो दिस इज देयर लोगो सॉरी आव रिटर्न ओवर इट बट यू कैन जस्ट हैव अ लुक ठीक है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट देर इज अ सेपरेट कोर्ट फॉर दिस केसेज इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस फ्राम ऑल दीज थिंग्स दैन अ सेपरेट कोर्ट कोर्ट ऑफ एडमिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स एंड वाडा पब्लिश अ ग्लोबल डोपिंग रिपोर्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन पीरियोडिक बेसिस और जो भी ये सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती है ना जिसमें दे टेक सम कंट्रीज एंड देन बेस्ड ऑन सम्राइटेरिया दे रैंक द कंट्रीज इसमें आपको इंडिया की पोजीशन हमेशा पता होनी चाहिए कोई भी रिपोर्ट हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एनी अदर रिपोर्ट तो ग्लोबल डोपिंग रिपोर्ट में हम कहाँ पर हैं देखिए स्पोर्ट्स में हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं एंड मेडल टेली यू यू सी इन ओलंपिक्स और एनी अदर प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग इवेंट दैन वी विल नॉट फिगर आउट वेरी प्रोमिनेंटली इन द टॉप पोजिशन बट ग्लोबल डोपिंग रिपोर्ट में अगर आप देखो तो हम तीसरे पोजिशन पर हैं तो टॉप पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाई रशिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोपिंग केस पाए गए हैं उसके बाद में इट इज़ फॉलोड बाई टर्की एंड थर्ड पोजिशन इज़ ऑक्युपाइड बाई इंडिया अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर बता देते हैं आपको कि नाइनटीन नाइन्टी नाइन में ही क्यों फ्रेम हुई थी बॉडी वाई डिड इट 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 वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नाइनटीन नाइन्टी नाइन बिकॉज ज्यूरिंग नाइनटीन नाइन्टी एट अ मेजर इवेंट टुक प्लेस 2D डी फ्रांस ये आपको पता होगा इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट यू रीड अबाउट इट टू डी फ्रांस एक साइकलिंग uh, एक इवेंट होता है फ्रांस में तो ड्यूरिंग दैट लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड लॉट ऑफ एथलीट्स हु वर इन द टॉप पोजिशन वर फाउंड टू बी यूजिंग सम ड्रग्स विच वर नॉट सपोज टू बी यूज राइट सो दैट इज़ वैन इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड सम अदर स्पोर्टिंग बॉडीज़ गेम टूगेदर टू फॉर्म वाडा ठीक है दिस इज़ द ऑफ़ वाडा Okay, so that's it, guys, from my side. Thanks for listening. And if you like the video, please like, comment, subscribe, and share. And one more thing if you have any uh, topic in mind which you would like us to cover, then please mention it in the comment section. We will surely keep it up uh, during our, um, our coming lectures. Uh, so, thank you. See you again. Bye.